और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनके दो सहयोगियों को 20-20 साल का सजा दिया है और दो को बरी कर दिया है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि निर्भया फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो चाहे कितना भी कुछ कर लें, समाज का पूरा बदलाव नहीं होगा। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सीजेआई के खिलाफ महाभियोग नोटिस देने से पहले ही मैंने कांग्रेस को मना कर दिया था और कांग्रेस का ये फैसला गलत था और मैं दोबारा कहूंगी कि कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में ना घसीटे, इससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हर घर में पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह की लगेगी तस्वीर। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित देश के 94 शहरों की हवा हो चुकी है खराब। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री जनार्दन रेड्डी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं और हर कोई बीजेपी और मोदी के ही साथ हैं। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सुप्रनखा का रोल निभा रही है और कांग्रेस रावण का। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को शमशान पहुंचाने के लिए 4 सांसद भी नहीं जीत पाएंगे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, जदयू ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि असमान विकास के लिए नीतीश की सरकार नहीं बल्कि बिहार की प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीति आयोग के सीईओ ने नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की धज्जियां उड़ा दी है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हिंदुओं को एक होकर अपनी अगली पीढ़ी को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, यूजीसी ने एडमिशन शुरू होने से पहले 24 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को झटका देते हुए कहा कि भारत वन बेल्ट वन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग की तारीफ करते हुए कहा कि हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, आईपीएल 2018 में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, कॉमनवेल्थ गेम के हरियाणवी मेडल विजेता अवार्ड मनी में कटौती को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में न जाने का फैसला लिया है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने संजय दत्त पर बनने वाली फिल्म संजू के टीजर रिलीज के मौके पर कहा कि मैं बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान हूँ। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, अभिनेता कमल हसन ने कास्टिंग काउच मुद्दे पर सरोज खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फिल्म जगत में महिलाओं के अधिकारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने प्रिंस हैरी और मेगन मार्क की रॉयल शादी में जाने का बनाया मन। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, संजय दत्त ने फिल्म संजू के टीजर लॉन्च पर निर्देशक राजू हिरानी से मजाकिया लहजे में कहा कि राजू मुन्ना भाई में रणवीर को मत ले लेना। और ये थी अभी तक की सबसे बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।